जिला मुख्यालय न्यायालय में लगी लोक अदालत में कई केसों का निपटारा किया गया। न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर कोठे द्वारा नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ कर कई वर्षों से अटके केसों का निराकरण किया गया। जिला न्यायालय परिसर में आज लगी नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ करते हुए जिला सत्र न्यायाधीश रामेश्वर कोठे, पुलिस अधीक्षक डी आर तेनिवार, अपर कलेक्टर श्रीमती रेखा राठौर उपस्थित थे। नेशनल लोक अदालत के दौरान जिला सत्र न्यायाधीश रामेश्वर कोठे ने दिव्यांग शंकरलाल जोशी को जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के माध्यम से निःशुल्क व्हील चेयर भेंट की और रामेश्वर कोठे ने बिछड़े हुए दंपतियों को आपसी समझौता के माध्यम से पुनः एक करवाया। इसी तरह संबंधित विभागों के काउंटर पर आकर आपसी समझौते के आधार पर तय हुई राशि जमा भी की गई। 4,04,32,825 रुपए के समझौते हुए। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश अनुसार इस वर्ष की तीसरी नेशनल लोक अदालत दिनांक 14/9/2019 को आयोजित की जा रही है। इस लोक अदालत में हमारे जिले में कुल 15 खंडपीठों का गठन किया गया है, जिसमें न्यायालय में लंबित 1,091 प्रकरणों को विचार के लिए रखा गया है, जिसमें राजीनामा होने की संभावना है। और इन प्रकरणों में आपराधिक प्रकरण 98 है और धारा 138 NI एक्ट के 394 प्रकरण हैं, MSET क्लेम के 243 प्रकरण हैं, विद्युत प्रकरण 134 है, सिविल मामले 101 है और वैवाहिक मामले 8 हैं, अन्य मामले 113 हैं। इस प्रकार कुल 1,091 प्रकरणों को राजीनामे के लिए विचार के लिए रखा गया है, जिसमें से मेरे हिसाब से 15-20% प्रकरणों का राजीनामे के माध्यम से निराकरण हो सकता है। इसी प्रकार प्री लिटिगेशन के प्रकरण भी अभी तक 3,650 रखे गए हैं और कुछ बैंक और प्री लिटिगेशन के प्रकरण फेस करेगी। इस प्रकार कुल करीब 5,000 प्री लिटिगेशन के प्रकरणों का भी निराकरण होने की संभावना है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। नरसिंहपुर जिला मुख्यालय